आर्थिक मंदी से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर बहुत संघर्ष करके दिल्ली में मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए मिनिमम वेजेस बढ़ाए हैं, और अभी जो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये हमारे पिछले 4-5 साल के कड़े संघर्ष का नतीजा है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने जो मिनिमम वेज हम लोगों ने बढ़ाए थे उसको उन्होंने अप्रूव किया है। सो मैं आपके सामने कुछ वो रख रहा हूँ। 55 लाख दिल्ली के ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, दिल्ली में अनस्किल्ड लेबर को 8,632 रुपये प्रति माह मिलता था। आज वो बढ़ के 14,842 रुपये हो गया। मुझे लगता है ये पूरे 70 साल के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंक्रीज़ है मिनिमम वेजेस का। सेमी स्किल्ड लेबर को 9,542 रुपये मिलता था जब हमारी सरकार बनी, आज ये बढ़ के 16,341 रुपये हो गया है। स्किल्ड लेबर को 10,478 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के 17,991 रुपये हो गया है। नॉन मेट्रिकुलेट्स को 9,542 रुपये मिलते थे, ये बढ़ के 16,341 रुपये हो गया है। मेट्रिकुलेट बट नॉट ग्रेजुएट को 10,478 मिलते थे, ये बढ़ के 17,991 हो गया। और ग्रेजुएट एंड अबाव को 11,414 रुपये मिलते थे, ये बढ़ के 19,572 रुपये हो गया है। पूरे देश में, मेरे पास सारे स्टेट्स के फिगर्स है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज आज दिल्ली सरकार दे रही है। अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर का DAB, अब सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद हम लोगों ने अप्रैल और अक्टूबर का DAB अनाउंस कर दिया है। तो जैसे एक ही कैटेगरी का मैं बता देता हूँ, बाकी आपको प्रेस रिलीज के ज़रिए सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अनस्किल्ड लेबर को जैसे अप्रैल में 468 रुपये प्रति माह का DA अनाउंस किया गया है, और अक्टूबर में 338 रुपये प्रति माह का DA अनाउंस किया गया है। तो जो अप्रैल का DA 468 रुपये, उसके एरियर्स भी मिलेंगे सबको। और इसके अलावा दिवाली पे बोनस, एक महीने की तनख्वाह का बोनस भी सब लोगों को अनाउंस किया गया है। तो ये एक तरह से बहुत बड़े स्केल के ऊपर गरीबों की जेब में पैसा डालने की काम है। और जो आर्थिक मंदी आज देश भर में है, हमें ये लगता है कि बहुत सारे उससे निपटने के बहुत सारे और स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे कारगर स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कि अगर गरीबों की जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाला जाएगा तो गरीब आदमी जाके मार्केट से तरह तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदेगा, उससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो कि मतलब शर्तिया तरीका है इकोनॉमी को एक तरह से रिवाइव करने के लिए। मैं आज आपके सामने हमारे संघर्ष की कहानी भी रखना चाहता हूँ। हमने 5 साल कितना लड़ाई लड़ी है आज इस मिनिमम वेज को गरीबों को दिलवाने के लिए। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमने अप्रैल 2016 में मिनिमम वेज बनाने के लिए, आपको कानून के अंदर एक मिनिमम वेज कमेटी बनानी पड़ती है। उसमें यूनियन के लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन के, इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग होते हैं। तो हमने अप्रैल 2016 में ये कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उसी साल 2016 में अगस्त में दे दी। सरकार ने उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने मिनिमम वेज काफ़ी बढ़ाए के थे, हमने उनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। कैबिनेट ने डिसीशन ले लिया कि दिल्ली में मिनिमम वेज बढ़ाए जाएंगे।